नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आई नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों पर। उज्जैन, प्रेम विवाह के कुछ ही दिन बाद पति पत्नी में अनबन होने लगी। ये अनबन इतनी बढ़ गई कि पत्नी ने पति पर प्रकरण दर्ज करवा दिया। इसी से नाराज पति अपनी ही पत्नी को हाइक मैसेजर पर अश्लील वीडियो भेजकर ब्लैकमेल करने लगा। महिला की शिकायत पर राज्य साइबर सेल ने आरोपी पति को गिरफ्तार किया। इंदौर निवासी मनीष पुष्पद ने करीब 2 वर्ष पूर्व उज्जैन की मनीषा कोइराला से प्रेम विवाह किया था। कंपटीशन एग्जाम में दोनों की मुलाकात हुई और फिर दोनों ने परिजन को बगैर बताए आर्य समाज मंदिर में शादी कर ली। लेकिन शादी के बाद से ही दोनों में अनबन होने लगी। इस अनबन से तंग आकर पत्नी मनीषा मायके लौट आई और पति के खिलाफ प्रकरण दर्ज करवा दिया। ये बात पति को इतनी बुरी लगी कि उसने अपनी ही पत्नी को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। निजी तौर पर बनाए गए अश्लील वीडियो पत्नी को हाइक मैसेंजर पर भेजने लगा और ये वीडियो अन्य सोशल साइट्स पर अपलोड करने की धमकी देने लगा। इससे तंग आकर मनीषा ने राज्य साइबर सेल से शिकायत की। महिला की शिकायत पर साइबर सेल ने आरोपी मनीष को गिरफ्तार किया। मनीष ने सबूत मिटाने के लिए मोबाइल फॉर्मेट कर दिया था, जिसके चलते उस पर ब्लैकमेल करने सहित सबूत मिटाने की धाराओं में भी प्रकरण दर्ज किया गया है। हमारे यहाँ पर रिपोर्ट की गई कि उसके हैक मशीन पर किसी ने असल फोटो डाले और उनके सारे रिश्तेदारों को और समाज के जोड़ डाले, उसके रिश्तेदारों में और समाज में बदनाम किया। इस पर हमने अपराध प्रमाण 12 रिपोर्ट दी, उसकी व्यवस्था की तो मालूम पड़ा कि 2016 में मनीष पुष्पद नॉर्वे कोचिंग सेंटर पर जा रहा था कि यहाँ पर फरियादी की कोचिंग करती थी और साथ में वहाँ पर इनकी दोस्ती हुई। 2016 में ही उन्होंने आर्य समाज में शादी कर दी। उसके बाद फिर जब लड़की जवाब देने लगी कि मेरे घर लेके चलो और अपने साथ में रहो तो उनके हकें नहीं ले जा सकता। उनके लड़का रविंद्र था और लड़की की नौकरी लगी और इस कारण से वो उसको घर नहीं ले आ रहा था। घर जब हुए तो लड़के ने वो जो अश्लील फोटो है उसको लिखने के डाला। तो बाद में फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी डाले थे लड़की लिखा और इस कारण उनके झगड़े हो गए। बाद में उनका बता पाऊँगा इस कारण उसको बनना खबर समय जगत के लिए उज्जैन से ब्यूरो चीफ रूपेश तिवारी की रिपोर्ट। खबर समय जगत, एक संदेश पूरा देश, एक आगाज सच दिखाने का। हम हैं आपकी आवाज़।